कोरोना के नए वेरिएंट की खबर आ रही है और यह वेरिएंट बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के परिणाम आ चुके हैं। इस परिणाम में किस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ की है, स्वास्थ्य में ज़्यादातर इसके सर्वे होते हैं, महिलाओं की संख्या देश में बढ़ी है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। सर, ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ये कितना खतरनाक है और इसको लेकर किस तरह की सावधानी आप बरत रहे हैं? इसमें चिंता काफ़ी है। चिंता का कारण ये है कि इस वायरस में 50 म्यूटेशन देखे गए हैं और स्पाइक प्रोटीन जिसके माध्यम से वायरस प्रवेश पाता है उसमें 30 म्यूटेशन देखे गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है किसी म्यूटेशन में। इतना बड़ा अंतर, जो जीन सीक्वेंस होती है उसमें इतना बड़ा अंतर, ये अपने आप में चिंता को बहुत बढ़ाता है। साउथ अफ्रीका ने डिटेक्ट इसको किया, वहाँ से केस, पहले 2 केस की जानकारी आई थी, फिर और केस की जानकारी आ रही। ये बड़ी चिंता उस बात की है कि क्या जो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं वो इस वेरिएशन को से हमको बचा के रखेगा। चिंता इस बात की नहीं है कि नया वेरिएशन आया, चिंता नए वेरिएशन की है कि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है, वायरस में 50 और स्पाइक प्रोटीन में 30, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इसका प्रभाव अगर ये सामने आता है रिसर्च के बाद में कि वैक्सीनेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी। रोकने की बात जहाँ तक है, हम सब इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में अगर कोरोना है, इसके नए वेरिएशन हमने देखे तो ये बाहर से आए हैं। और आज के दिन में डेल्टा वेरिएंट जो है, ये करीब करीब 95% से ऊपर विश्व में जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। यानी एक तरह से ये छा गया है डेल्टा वेरिएंट। अब ये नया वेरिएंट है, इसके शुरू के केसेस पता चले, 1-2 केस पता चले, क्या वो इतना फैल जाएगा कि डेल्टा वेरिएंट ने जो जगह बना ली है, जिसके बारे में हमको ये जानकारी है कि वैक्सीन काम करेगी, अगर उसकी जगह ये ले लेता है और वैक्सीन काम नहीं करती है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। नई वैक्सीन बनना, ये करना, वो समय लगना। टेस्ट के लिए क्या कोई प्रक्रिया चल रही ये जांचने के लिए कि इस वेरिएंट जीन सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। जिस अगर आपको आप पॉजिटिव पाए गए तो आपके सैंपल को जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। जीन सीक्वेंसिंग बताता है कि कितने परिवर्तन हैं और किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जीन सीक्वेंसिंग की जा रही है। अभी देश में 2 साउथ अफ्रीका के नागरिक जो आए थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पर उनमें ये वेरिएंट है कि नहीं, इसके लिए जीन सीक्वेंसिंग में दिया गया है। और लोग भी जो आ रहे हैं, जो विदेश से आएंगे, अब उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जीन सीक्वेंसिंग से ही पता चल पाता है कि उनको किस वेरिएशन से वो ग्रसित हैं। क्या इस तरह के निर्देश सावधानी के हैं? अभी तो यहाँ कोई केस नहीं आया है, हमारे पास अपनी फैसिलिटी नहीं है जीन सीक्वेंसिंग की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, हम उनका सहारा लेते हैं, वरना उड़ीसा भेजने की भारत सरकार के प्रावधान हमारे पास हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है, 3-5 महीने लग जाते हैं, तो उतने तक तो वो फिर स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाती है। और एम्स में अगर हम करा सकते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर जांच आ जाती है। तो इतना समय लगता है ये जानने के लिए कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो ये कौन सा म्यूटेशन है, डेल्टा है या क्या है। ये जो नया सीक्वेंस, नया म्यूटेंट आया है, नया वेरिएंट आया है, इसको भी पता करने के लिए उसी पद्धति को हमको अपनाना पड़ेगा। तब तक सावधान रहना, जो बार बार हम लोग कहने का प्रयास करते हैं और सभी नागरिकों से भी मदद मांगते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता कोविड का से बचने का नहीं है। मास्क लगातार पहनना, हम बाहर जाएं या भीड़ की जगह में रहें, चाहे वो भीड़ की जगह घर में क्यों ना हो, शादी ब्याह पार्टी इत्यादि, अक्सर हमने सावधानियां छोड़ रखी हैं, लेकिन समय या कोरोना हमको ये सिखा गया है कि हमको सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे हम नहीं बरत रहे हैं, जीवन का हिस्सा इसको बना लेना चाहिए। हाथ धोना साबुन से, दूरियां बना के रखना, ये हमको इसको अनिवार्य रूप से अपने जीवन में बड़ा स्थान देने की आवश्यकता है
और बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल बनाना, एयरपोर्ट में जांच, उनसे डिक्लेरेशन मांगना, भारत सरकार से जानकारी मांगना कि छत्तीसगढ़ कोई भी ट्रैवल करके आ रहे हैं उनकी हमको जानकारी देना, हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तब तो पता चलेगा, अगर ट्रेनों से आके चले जा रहे हैं तो पता भी नहीं चलता। इसमें नागरिकों का सहयोग है, बाहर से आ रहे हैं तो होम क्वारंटीन हो जाइए, घर में 5 दिन रहिए, ज़्यादा निकलिए मत, लक्षण आए ना आए, असिम्प्टोमेटिक आप हो सकते हैं, 5 दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराइए, नेगेटिव होने पे फिर निश्चिंत होके कोरोना प्रोटोकॉल अपनाते हुए फिर समाज में विचरण करिए। तो ये सब सावधानियाँ अपनानी पड़ेगी। बूस्टर डोज की ज़रूरत कितनी दिखती है और इसको लेकर के किस तरह के प्रयास? मैं बूस्टर डोज के पक्ष वाला हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कोरोना के बारे में, जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं जानकारियाँ विशेषज्ञों से लेते हैं, इसकी आवश्यकता अन्य देशों में महसूस की जा चुकी है और उन लोगों ने इस्तेमाल भी चालू कर दिया है। हमको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने वैज्ञानिकों का कि वो शोध करके और वो इसके लिए सहमति दें और इसकी आवश्यकता को बताएं कि बूस्टर डोज की हम ज़रूरत है, अब आप लेना चालू कर दीजिए। पहले अंतर के इस बात का था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, तो बूस्टर डोज देना या पहला डोज देना, तो स्वाभाविक है कि जिनको नहीं मिला है पहला डोज उनको पहले पहला डोज देना, फिर दूसरा डोज देना और उसके बाद बूस्टर डोज देना। अब हमने जितना वैक्सीनेशन कर लिया है, छत्तीसगढ़ में भी 88% के आसपास पहला डोज लग चुका है, 50% के आसपास दूसरा डोज लग चुका है, पहले डोज के बाद 4 महीने के बाद 12 हफ्ते के बाद में दूसरा डोज लगने की बात आती है। तो इसमें जो समय है सभी राज्यों के पास और देश में भी वैक्सीन का भी स्टॉक है और हर महीने कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन भी अब निर्माण देश में हो रहा है, तो उतना हमारे पास वैक्सीन है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको और भी बीमारियां हैं साथ में, तो उनको देने के लिए विचार करने का समय आ गया। साहब, केंद्र सरकार ने PM आवास ग्रामीण की राशि रोक दी, आरोप लग रहा कि राज्यांश नहीं दिया गया, इस वजह से ये हुआ, ये क्या मामला है? कुछ हद तक ये बात सही है, उनने राशि रोक नहीं दी, उनने विड्रॉ कर लिया है कि जो उनका आवंटन है और आगे इस वर्ष नहीं देंगे, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जो राशि उपलब्ध, मैचिंग ग्रांट हमको उपलब्ध कराना थी, 60-40 वाली योजना है, तो 60% केंद्र सरकार राज्यांश रहता, केंद्रांश रहता है, 40% राज्यांश रहता है, जो हम लोन लेके करते हैं। कोरोना के समय और ये सब कारणों से हमको लोन इतना लेना पड़ा, हमारे GST का पैसा केंद्र सरकार ने कटौती की, उसको भी भरपाई करने के लिए हमको लोन का सहारा लेना पड़ा, हालांकि लोन बाहर से आ रहा है। अन्य जो हमारे खर्चे हैं, इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिला। अभी डीजल पेट्रोल पे जो भाव काटे, इन्होंने राज्य को प्रभावित करने वाले टैक्स को काटा, केंद्र को हिस्सा जो भार लेना चाहिए था सेस का, वो सेस का ना काट के इन्हें एक्साइज काटा, तो करीब 450 करोड़ रुपए तो हमारे उसके कट गए। तो जब हमारी राशियां कम होती हैं और हमको खर्चा करने के लिए पैसे कम होते हैं, तो कई बार हमको लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के कारण हमारी कैपेसिटी आज के दिन वैसी नहीं रह जाती है कि हम प्रधानमंत्री आवास के लिए लोन लेके हम ये काम करें। तो इसीलिए बार बार हम लोग केंद्र सरकार से ये आग्रह करते रहे कि राज्यों की आमदनी की जो स्थिति है उसमें कटौती मत होने दीजिए, नहीं तो उसका प्रभाव बाकी योजनाओं पे पड़ता है। और यही स्थिति इसमें भी आई है कि केंद्रांश उपलब्ध होने की बात हो रही है और राज्यांश है, क्योंकि ये लोन के माध्यम से, बजट का पैसा नहीं है, तो लोन भी हम कैसे लें? बाकी कामों के लिए पहले लोन ले रखा था कि केंद्र सरकार ऐसी नीतियां बनाएंगी कि हम चला सके राज्य को। तो आप देखें कि हर जगह कटौती कैसे होती है। GST में 14% प्रोटेक्टेड इनकम होना चाहिए, उसको 10% कर दिया, 4% हमारा गया। यहाँ पर एक्साइज में उनने कटौती डीजल पेट्रोल में की, सेस में नहीं की, 450 रुपया चला गया, उसके ऊपर जो घटा है रेट 450 करोड़ रुपया चला गया, तो अकेले डीजल पेट्रोल में 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपया तो छत्तीसगढ़ का चला गया। इसमें क्या कोई बातचीत का रास्ता केंद्र सरकार से बन सकता है? क्या अभी भी ये योजना चालू की जा सकती है छत्तीसगढ़ में? ये कुछ दिन के लिए बंद है, योजना बंद ही हो गई है, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। ये 3-4 महीने जो बचे हैं इस वित्तीय वर्ष में, अब तो 3 महीने बचे, 4 महीने बचे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जो उनने वापस लिया है पैसा
हमेशा के लिए वापस नहीं लिया, उनने 4 महीने के लिए उसको रोका है कि भाई आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम दूसरे को दे दें। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसी राशि है जिससे हम 40% अपना शेयर उपलब्ध करा सकते हैं, तभी इसका लाभ हम नागरिकों को दे पाएंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसके परिणाम आ गए हैं, इस परिणाम में क्या देखते हैं छत्तीसगढ़ में और खास करके आपके विभाग में हेल्थ डिपार्टमेंट में किस तरह का ग्रोथ और डीग्रोथ देखते हैं? इसमें कुछ तो आंकड़े जो आए हैं वो अच्छे संतोष देने वाले आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। अगर आप मृत्यु दर को देखें तो मृत्यु दर नियोनेटल जो छोटे बच्चों में मृत्यु दर था वो 42.1 से घट के 32.4 पे आया है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5 साल से नीचे 54 से घट के 44.3 पे आया है, करीब 10 बच्चों को हम और बचा पा रहे हैं। और USMR भी जो 64.3 था वो 50.4 पे आ गया, तो इसमें हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। परिवार नियोजन में भी अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने किसी भी प्रकार के सावधानी का उपयोग किया है ये 57.7 से बढ़ के 67.8 हुआ है, तो सावधानी बरत रहे हैं लोग। फीमेल स्टरिलाइजेशन जो हालांकि ये घटनाएं हुई बिलासपुर की घटना उससे कमी आई है, लेकिन 46.2 से 47.5 इसमें भी थोड़ा सी बढ़ोतरी आई है। मेल स्टरिलाइजेशन में भी छत्तीसगढ़ में बढ़ोतरी है, और कॉन्डम के यूज़ में इसमें भी बढ़ोतरी है। IUD इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस महिलाएं लगाती हैं इसमें भी 1.6 से 2.8 इसमें भी बढ़ोतरी आई है। और मैटरनल हेल्थ के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो जिन महिलाओं ने जांच 4 ANC कराई है वो 59.1 से 60.1 हुआ है, 1 अंक इसमें बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन फिर भी बढ़ा है। और वो माताएं जिन्होंने IFA को का उपयोग किया है 180 दिन के लिए ये 9.5 से बढ़ के 26.3, तो ये अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है, काम और करने की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में वो माताएं जिन्होंने बच्चे के जन्म के बाद लाभ पाया है ये 63.6 से बढ़ के 84 हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य विभाग इसमें ध्यान दे रहा है और काम कर रहा है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कि जिन बच्चों का जन्म किसी संस्था में हो रहा है, घर में नहीं संस्था में हो रहा है, ये 70.2 से बढ़ के 85.7 हुआ है, तो ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और उसका अमला ध्यान दे रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है और सफलता भी मिल रही है। बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगना चाहिए 12 से 23 महीने के बीच के बच्चों का जिनको फुल्ली वैक्सीनेशन हो गया है ये 81.8 से 84.8 हुआ है, 3 अंक इसमें भी बढ़ोतरी आई है। और डायरिया जिन बच्चों को 2 हफ्ते पहले होता था उसमें कमी आई है, थोड़ी सी कमी उसमें देखने को मिल रही है। और बच्चों को डायरिया 2 हफ्ते के अंदर सर्वे जिनको जिंक मिल गया, पहले अगर 28.9 था तो ये 40 हो गया है, तो बच्चों को जिंक दे के ही डायरिया के समय डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए काम में आता है। और बच्चों में जो बुखार के लक्षण दिखने लगते थे 2 हफ्ते प्रीसीडिंग सर्वे लेने के 2 हफ्ते पहले ये 70.1 था, ये घट के 63.6 हुआ है, बच्चों में बुखार के भी लक्षण कम देखने को मिल रहे हैं। चिंता की बात जो सामने आई है पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी, एनीमिया बढ़ा हुआ दिख रहा है। एनीमिया जो पहले 41.6 था वो 67.2 पे दिख रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और गर्भवती महिलाएं 15 से 49 साल के बीच में जो हैं उनमें एनीमिया का दर जो 11 से कम, मैं बता रहा हूँ 11 से कम कितनों में है, 41.5 से 51.8 दिख रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये चिंताजनक स्थिति है। ये बच्चों के जन को भी, महिलाओं के स्वयं के स्वास्थ्य को भी, दूसरी बीमारियों को भी न्योता सा हो जाता है कि हमारी शरीर की स्थिति कमज़ोर है, तो बच्चों से लेके यहाँ तक। और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो बच्चों का है
इसमें जो जानकारी सामने आई है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, इसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। कम से कम 1 घंटा जो माँ का दूध पीते हैं जन्म के प्रतिशत के हिसाब से 47.1 से 32.2 दिख रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चे जो 6 महीने से लगातार माँ का दूध ले रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी दिख रही है 77.2 से 80.3 कि 6 महीने तक बच्चों को जो माएँ दूध पिला रही हैं इसमें बढ़ोतरी आई है, ये ठीक है। और कुल बच्चे जो 6 से 23 महीने के बीच में पर्याप्त भोजन पा रहे हैं इसमें कमी दिख रही है 10.9 के जगह 9.3, तो 1.5 अंक इसमें कम हुआ है, ये अच्छा नहीं है। जो स्टंटेड बच्चे कहते हैं, ये राज्य के आंकड़े हैं या देश के? ये राज्य के, ये राज्य के। तमाम तरह की योजनाएं भी छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है बच्चों के पोषण के लिए जी, उसके बाद भी ये स्थिति अगर दिख रही है तो हमको और ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, ये पूरे देश में यही हाल दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम मिस कर रहे हैं पूरे देश में। इस मामले में इस सर्वे ने जो बताया, हमने तो काफ़ी प्रयास किया था, मुख्यमंत्री जी भी इस बात को रखते रहे हैं लगातार कि अन्य जिलों में हमने कमी लाई है, काफ़ी बड़ी प्रतिशत की कमी लाई है, फिर भी पूरे देश के स्तर पे इस सर्वे में ये बताता है कि हमको और काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट के बाद अब जो नया वेरिएंट है वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अभी तक यह पता नहीं है कि जो वैक्सीन हमें और आपको लग चुकी है यह वैक्सीन इस वेरिएंट पे काम करेगी या नहीं, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। इसके साथ ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जिस तरह की आई है वो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को संतोष दे रही है, लगातार कई चीज़ों में उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिली है, आंकड़े बढ़े हैं, स्वास्थ्य की का जो क्षमता है वो छत्तीसगढ़ की बढ़ती दिख रही है। लेकिन बच्चों में कुपोषण दूर करने, न्यूट्रिशन देने की जो बात लगातार आती है उसमें अभी भी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आंकड़े सही नहीं है, अभी भी चिंता का विषय है और इसको लेकर के ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में एक बड़े चिंतन की आवश्यकता है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।